आज इस विज्ञान के युग में, शिक्षा, आधुनिक शिक्षा के युग में भी ऐसे अनेक लोग हैं जो दावा करते हैं उनके पास चमत्कारी शक्ति है, उनके पास दैवी शक्ति है, उनके पास तंत्र मंत्र जादू की शक्ति है और वह अपने जादुई चमत्कारी शक्ति के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। वहीं ऐसे अनेक ज्योतिषी हैं जो कहते हैं ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हर एक इंसान के बारे में बताया जा सकता है, हर एक इंसान से संबंधित हर एक एक बात की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसके साथ ही अगर किसी के जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है तो उसे ज्योतिष शास्त्र की मदद से सुलझाया जा सकता है। यानी ज्योतिष शास्त्र मानव जीवन के लिए एक कल्याणकारी शास्त्र है, ऐसा दावा ज्योतिषी करते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम रैशलिस्ट, तर्कवादी, युक्तिवादी चुनौती के साथ कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसमें अंधविश्वास भरा हुआ है, जिसमें मनगढ़ंत कहानियां भरी हुई है, जिसमें गोलमटोल बातें भरी हुई है और जो समाज को कभी कल्याण नहीं कर सकता है। तो चमत्कार को चुनौती है, हम रैशलिस्ट चमत्कार को चुनौती देते हैं। हम रैशलिस्ट तांत्रिक, बाबा जी, ओझा, ज्योतिषी को चुनौती देते हैं। चुनौती इसलिए देते हैं कि ये लोग जो ज्योतिषी हैं, तांत्रिक है, बाबा जी है, ओझा है, ये लोग लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर सिर्फ ठगी का धंधा करते हैं। ज्योतिषियों का, तांत्रिकों का, बाबा जी का, बैगा का, ओझा का एकमात्र लक्ष्य होता है कि अंधविश्वास के दलदल में डूबा हुआ व्यक्ति को अपने जाल में फंसाकर उन्हें लूटना। और चमत्कार के नाम पर आज भी हमारे समाज में जो ओझा, तांत्रिक, बाबा जी, ज्योतिषी का जो ठग धंधा चल रहा है उसका पोल हम रैशलिस्ट हमेशा खोलते आए हैं और आगे भी खोलते रहेंगे। इसके लिए हम कई विज्ञान संगठन से जुड़े हुए हैं। हमारे जैसे और भी अनेक युक्तिवादी हैं, तर्कवादी हैं, जो अपने अपने स्तर पर समाज में तार्किक आंदोलन, युक्तिवादी आंदोलन करने में लगे हुए हैं। उद्देश्य है कि यदि समाज में अंधविश्वास रहेगा तो ज्योतिष तांत्रिकों का ठग धंधा चलता रहेगा। अगर समाज से अंधविश्वास मुक्त हो जाएगा, लोग तार्किक बन जाएंगे, युक्तिवादी बन जाएंगे, विज्ञानवादी बन जाएंगे, तो पाखंडी, बाबा जी, तांत्रिक, ओझा, ज्योतिषियों का ठग धंधा बंद हो जाएगा, लूटमार का धंधा, ठगी का धंधा बंद हो जाएगा। इसे यानी ठगी धंधा बंद करने के लिए, समाज से अंधविश्वास को दूर करने के लिए हम तर्कवादी, युक्तिवादी लगातार आंदोलन करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप चमत्कार के चंगुल में ना फंसे, आप किसी बाबा जी, माता जी, ज्योतिषी, वैगा के चंगुल में ना फंसे। इनके पास आपके जीवन की किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी विद्या नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है। इन पाखंडी बाबाओं का, माता जी का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य होता है कि जो लोग अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, जो लोग किस्मत में विश्वास करते हैं, ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं, चमत्कार में विश्वास करते हैं, उन्हें अपने जाल में फंसा कर किसी हाल में उसकी जेब काटना। चमत्कार, आज भी इस विज्ञान के युग में ऐसे अनेक लोग हैं जो दावा करते हैं कि उनके पास चमत्कारी शक्ति है, उनके पास अलौकिक शक्ति है, वह अपने चमत्कार अलौकिक शक्ति के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। आज भी ऐसे अनेक ज्योतिषी हैं, तांत्रिक हैं, जो दावा करते हैं कि उनके पास अमुक विद्या है, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है, तंत्र साधना का ज्ञान प्राप्त है, सिद्धि प्राप्त है और वह अपने तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र या तांत्रिक सिद्धि के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही बाबा जी, ज्योतिषी, तांत्रिक, ओझा, वैगा को रैशलिस्ट एसोसिएशन या विज्ञान संगठन के द्वारा 1 करोड़ रुपए तक की चुनौती दी गई है। अगर आप अपने दावे के मुताबिक चुनौती लेकर अपने दावे का प्रमाण पेश कर सकते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह खुली चुनौती आज से नहीं, वर्षों पहले ही शुरू की गई है। कई विज्ञान संगठनों ने अपने अपने स्तर पर चुनौती दी है। कई विज्ञान संगठनों ने
अपने अपने स्तर पर करोड़ों रुपए तक की चुनौती दी है। चुनौती के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आप अंधविश्वास के चंगुल में ना फंसे। चुनौती का मकसद है कि आप बाबा जी, माता जी या ओझा या ज्योतिषी के चंगुल में ना फंसे। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आपको चैलेंज के बारे में बताना, आपको चमत्कार से संबंधित जो चुनौती दी गई है विभिन्न युक्तिवादी तर्कवादी संगठन को द्वारा, उसके बारे में आपको जानकारी देना। और इसी उद्देश्य से मैं आज आपके सामने चमत्कार दिखाओ एक करोड़ पाओ यह शीर्षक कार्यक्रम आपके सामने पेश किया। आप जितना ज्यादा तर्कवादी होंगे, विज्ञानवादी होंगे, उतना ही ज्यादा आप अंधविश्वास से दूर रहेंगे और पाखंडी बाबा जी, तांत्रिक ओझा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपको अपने जाल में भी फंसा नहीं पाएगा। अगर आप अंधविश्वास से मुक्त होंगे तो कोई भी ओझा, कोई भी तांत्रिक, कोई भी ज्योतिषी आपको अपने ठगीपूर्ण चालबाजी जाल में फंसा नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहले आप अंधविश्वास से मुक्त होइए, अंधविश्वास के जाल से बाहर निकलिए, चमत्कार दिखाओ और एक करोड़ इनाम पाओ। इसका मूल उद्देश्य है कि हम आम लोगों को, जनता को अंधविश्वास से मुक्त करना चाहते हैं, जनता को अंधविश्वास के दलदल से बाहर निकालना चाहते हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए तो चलिए हम आपको उस डॉक्यूमेंट्स के पास ले जाएं जिसमें यह बात रखी गई है कि चमत्कार को 1 करोड़ रुपए तक की चुनौती दी गई है। मैं अपने इस लाइव में कई ऐसे महान तर्कवादी युक्तिवादियों के नाम बताया था जो अपने अपने स्तर पर विज्ञान आंदोलन, युक्तिवादी आंदोलन करते आए हैं और समाज को अंधविश्वास से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं आज भी। कोई भी सवाल है चमत्कार से संबंधित, चुनौती संबंधित या अंधविश्वास से संबंधित, आप लाइव में जुड़कर अपने सवाल रख सकते हैं। हम चाहेंगे अगर कोई भी ऐसा है जो चमत्कार दिखा सकता है और 1 करोड़ पा सकता है तो हम उनका स्वागत जरूर करेंगे। हमें चमत्कार की तलाश है, हमें अंधविश्वास मुक्त चमत्कार की तलाश है। इस विज्ञान के युग में, इस साइंस के युग में आज भी हम तर्कवादी, युक्तिवादी या रैशनलिस्ट चमत्कार की खोज में निकले हुए हैं। अगर कोई भी चमत्कार दिखा दे, अगर कोई भी यह चमत्कार दिखा दे कि हम चमत्कार के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं, अगर कोई भी यह बता दे कि मैं चमत्कार के द्वारा कुछ भी कर सकता हूं, तो आप दावा नहीं, अपने दावे के समर्थन में प्रमाण पेश करिए। दावे तो बहुत सारे लोग बहुत तरह के करते हैं, लेकिन प्रमाण कितने लोग देते हैं यह तो चुनौती ही, चैलेंज ही साबित कर देगा। आपका दावा कितना सटीक है, कितना गलत है, वह चुनौती के द्वारा, चैलेंज के द्वारा ही साबित किया जा सकता है। आप अगर कहे कि मैं तंत्र मंत्र के द्वारा आसमान में उड़ सकता हूं तो आपका यह दावा है, लेकिन हम युक्तिवादी तर्कवादी कहेंगे कि दावा नहीं, आप प्रमाण पेश करिए, प्रमाण पेश करिए, चुनौती का सामना करिए और 1 करोड़ तक का इनाम जीत के जाइए। क्योंकि बहुत सारे विज्ञान संगठन, युक्तिवादी समिति या तर्कवादी संगठन ने चमत्कार को 1 करोड़ तक की चुनौती दी है।